हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज का वीडियो एक अनदर हेल्दी एंड क्विक रेसिपी वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हेल्दी बेसन ब्रेड टोस्ट या फिर नॉन फ्राइड ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर आप हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये हेल्दी होने के साथ साथ में ये एक क्विक रेसिपी है। आप इसे शाम के नाश्ते में या फिर आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी इस रेसिपी को खा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसन का घोल बना लेंगे। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बेसन। यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन लिया है और हमें चाहिए होगा नमक, जीरा, हींग और लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा सामान लिया है और हमें घोल बनाने के लिए चाहिए होगा पानी। सबसे पहले हम बेसन में सभी चीज़ें मिक्स कर लेंगे, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक, दो चुटकी हींग, थोड़ा सा जीरा और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। हमें अच्छे से घोल को बनाना है। घोल बहुत ही स्मूथ सा बनाएं, घोल में कोई भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना रहें। हमें इसी कंसिस्टेंसी का घोल चाहिए, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। इस तरह से चम्मच से डालने पर घोल अच्छे से नीचे जाना चाहिए और गिरने के बाद भी चम्मच में थोड़ा सा जो बैटर है उसकी कोटिंग रहनी चाहिए। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी रहती है ब्रेड पकौड़ा के लिए। ये मीडियम ग्लास है और आधा ग्लास पानी लग गया है इस घोल को बनाने में। तो चलिए अब हम लोग बेसन ब्रेड टोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। अगेन, मल्टीग्रेन ब्रेड बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर आप हेल्दी फूड खाना चाहते हैं। तो तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम ब्रेड लेंगे और इसको जो हमने बेसन का घोल बनाया था उसमें डिप करेंगे। गैस को हमें धीमे ही रखना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालेंगे। आप चाहें तो अपनी मनपसंद कुछ और सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च या गाजर भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आप डालें वो बारीक कटी होनी चाहिए। हमें टोस्ट को धीमी आंच पर ही सेकना है। एक तरफ जब थोड़ा सा सिक जाएगी उसके बाद ही हम ब्रेड को पलटेंगे, अदरवाइज ब्रेड फिर टूट जाएगी। अब हम इसके ऊपर बहुत ही थोड़ा सा करीब दो बूंद ऑयल डालेंगे, जिससे कि जो ये सब्जियां हैं वो अच्छे से सिक जाएं। हम दूसरी तरफ भी बहुत ही थोड़ा यानी कि दो बूंद तेल ही डालेंगे और अब हम इसे बस दोनों तरफ से सेक लेंगे धीमी आंच पर। हम सभी जानते हैं कि बेसन हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। बेसन फुल ऑफ फाइबर होता है और बेसन में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, आप डायबिटिक हैं, तो बेसन आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। बेसन की बनी चीज़ें खाने के बाद आपको बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती है, जिससे कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही परफेक्ट डिश है। अगर आप चाहें तो जैसे हम लोग ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं सेम वैसे भी आप बना सकते हैं, यानी कि दो ब्रेड के बीच में आप आलू फिल करें और उसके बाद आप घोल में लपेट करके तवे पर सेक लें। बाकी का प्रोसेस सेम ही रखना है, बस आपको दो ब्रेड के बीच में आलू की फिलिंग भी भर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बट मैं यहाँ पर बहुत ही हेल्दी और क्विक रेसिपी बता रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर आलू की फिलिंग नहीं भरी है। हमें इस टोस्ट को दोनों तरफ से सेक लेना है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, इस पे लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। आप इसे इस तरह से बीच से कट करके इसे ब्रेड पकौड़ा का शेप भी दे सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है
और साथ ही साथ में ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है। आप इसे चाय के साथ और अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।